अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीमेल सिंक के बारे में। जी हाँ, अगर आप कभी जीमेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे यानी जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास में इस तरीके से मैसेज आ सकता है या फिर आता होगा, ऐसा जो आपको नज़र आ रहा है, अकाउंट सिंक इज ऑफ, टर्न ऑन इन अकाउंट सेटिंग्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये जो अकाउंट सिंक है वो क्या होता है और उसको कैसे आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से भी और आप अपने सेटिंग्स में जाकर भी। तो बेसिकली ये अकाउंट सिंक जो है ना, ये जो अकाउंट सिंक आपको नज़र आ रहा है जीमेल सिंक, ये होता है कि जो भी मेल्स आपके पास में आएँ, जो भी मेल्स आएँ वो सिंक यहाँ पर भी हो रियल टाइम में और जो गूगल का जो सर्वर है वहाँ पर भी हो। यानी अगर आप अपने ईमेल आईडी को किसी अदर डिवाइस में लॉगिन भी करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो सारे के सारे मेल जो वहाँ पर आ जाएंगे। अगर वहाँ पर भी आपने सिंक इनेबल कर रखा है कि रियल टाइम में जब कोई भी मुझे मेल करे तो वो डायरेक्टली क्या हो, यहां पे मुझे मिल जाए, यानी इस डिवाइस के अंदर में मुझे मिल जाए रियल टाइम के अंदर में, वरना मुझे यहां पे बार बार मुझे आकर के मुझे सिंक ना करने की जरूरत पड़े, यहां पे रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि ऑटोमेटिक हो जाए। इसलिए हम इसे ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि आपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो आपने सेव कर रखा है, कहाँ पे सेव कर रखा है, आप अपने ईमेल आईडी पे। अब आप क्या करेंगे, जब आप अपने ईमेल आईडी को किसी दूसरे डिवाइस में, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा फ़ोन है इसके अंदर मैंने लॉगिन किया और मैं फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैंने नया मोबाइल लिया, ये वाला मोबाइल जो है ये मेरा नया वाला है, तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरे नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से या फिर जो भी मेल से, वो सारे के सारे इसमें सिंक हो जाए, यहाँ पे मुझे मिल जाए और वो वहाँ पे भी रहे, यानी जीमेल के सर्वर पे भी रहे और साथ में मेरे डिवाइस में भी रहे। तो इसलिए हम इसको ऑन या ऑफ़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अकाउंट सिंक, ये इसे आप ऑन कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा अकाउंट सेटिंग्स में, यानी पहले इसमें जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में अकाउंट सिंक में आइए। अकाउंट सिंक में आने के बाद में आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जैसे आप यहां पे आते हैं, यहां पर आने के बाद में आपको नजर आ जाएगा डेटा यूजर, जिसके अंदर में नजर आ जाएगा सिंक जीमेल। आप यहां से भी इसे ऑन कर सकते हैं, आप यहां से भी इसे ऑन कर सकते हैं इस बॉक्स पे चेक करके। दूसरा तरीका है कि आप सिंपली क्या करेंगे, यहां से सेटिंग्स में आएंगे, यहां पे सेटिंग्स, तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आप जब नीचे आइएगा तो आपको जाना है यूजर्स एंड अकाउंट्स में। अगर नहीं मिला तो सिंपली ये यूजर्स एंड अकाउंट्स नजर आ रहा है, अगर ये ना मिले तो सिंपली आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, सर्च में क्लिक कीजिए और यहां पे सर्च कर लीजिए अकाउंट, सिंपली आपको अकाउंट से रिलेटेड एंड यूजर एंड अकाउंट्स आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, यूजर एंड अकाउंट्स में आ जाना है, यूजर्स एंड अकाउंट्स में। जैसे आप यहां पे आते हैं तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा गूगल, सिंपली आप गूगल पे क्लिक कीजिए और यहां पे वो ईमेल आईडी चूज कर लीजिए जिसके ईमेल को या फिर जिसके जीमेल को या फिर जिसके कॉन्टैक्ट को आप सिंक करना चाहते हैं। सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहां पे जैसे मुझे ये नजर आ रहा है abdurrahman. और जो यूजर आईडी है मेरा वो बेसिकली मेरा नाम है और उसके बाद मैंने कुछ नंबर डाल रखे, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, जीमेल सिंक, सिंक इज ऑफ। तो मैं यहां से भी ऑन कर सकता हूं और मैंने वहां से बताया वहां से भी आप ऑन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कॉन्टैक्ट बता रहा हूं, कॉन्टैक्ट्स में क्या है, वो सिंक मतलब वो ऑन है, यानी जिस पे जिसमें चेक लगा हुआ है ना इसका मतलब वो ऑन है। अगर गूगल न्यूज़ यानी जो भी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो, डॉक्स हो, जीमेल हो, गूगल न्यूज़ हो, गूगल टीवी हो, कीप नोट्स हो, माय बिजनेस हो, पीपल डिटेल्स हो, टास्क इन कैलेंडर हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे सिंक हो जाएंगे इस डिवाइस से भी। तो आपको करना क्या, सिंपली यहाँ से इसे ऑन कर लेना, जैसे आप इसे ऑन कीजिएगा तो आपको बताएगा जीमेल सिंकिंग नाउ। अब यहाँ पे ये जो है मतलब सिंक होगा, यहाँ पे बता देगा यहाँ पे लास्ट सिंक कब हुआ था, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 10वां महीना 2 तारीख 2021, ये जो है आज का डेट है जिस दिन क्या हुआ है, ये सिंक हुआ है, वो आपको बता रहा हूँ कितने बज के कितने मिनट में सिंक हुआ है। तो ये रियल टाइम में जो है ये सिंक होता रहेगा। अब चलिए मैं अगर जीमेल एप्लीकेशन ओपन करके बताऊँ यहाँ से, तो देखिएगा मुझे यहाँ पे ये जो आपको मैसेज आ रहा है वो हट चुका है, देखिए वो मैसेज जो है वो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था वो सारे के सारे मैसेज क्या हुए, वो गायब हो गए, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसे इनेबल कर दिया, जो जीमेल सिंक है इसे इनेबल कर दिया था। अभी मैंने क्या किया, इसे ऑफ किया, तो ऑफ करने के बाद में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये आने लगा। तो आप यहाँ से कीजिए या फिर वहाँ से कीजिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे सिंक जीमेल पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसे ऑन कर दूंगा, अभी मैंने रिफ्रेश किया तो वो हट गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ईमेल आईडी को जीमेल को सिंक कर सकते हैं यहाँ से और जीमेल के सर्वर से, ताकि जो भी ईमेल आईडी यानी जो भी कोई भी मेल आए आपके पास में तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो कम से कम यहाँ पे सिंक हो जाए कि जैसे क्या होगा कि आप एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद में आपको डायरेक्टली वो जो मेल है वो सारे के सारे आपको यहाँ आपको नज़र आने लगेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी जीमेल से रिलेटेड। कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। 'Cause I've been falling,
I need your help.